परम पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते, अच्छा भगवान कर्मों को क्यों लेगा? अब प्रश्न यह है, भगवान तुम्हारे कर्मों को क्यों स्वीकारे? तो एक बात बताओ, तुमने रुपया कमाया, तुमने रुपया कमाया, रुपया कमाकर अगर गवर्नमेंट को देना चाहोगे तो गवर्नमेंट लेगी कि नहीं लेगी? तो अपना कर्म करने के बाद अगर भगवान को अर्पण कर दो, भगवान स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा? लेकिन एक बात याद रखो, भगवान पुण्य कर्म स्वीकारेगा, पाप नहीं स्वीकारेगा। क्यों? जैसे कोई सजा मिली भाई, किसी को अवार्ड मिला, जैसे एक अवार्ड के हम आपको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, और जिसको सम्मानित हुआ जो, वो कहे कि मैं ये पुरस्कार अपनी सरकार को ही अर्पित करता हूं, तो सरकार लेगी कि नहीं लेगी? ले लेगी। लेकिन अगर किसी को सजा हुई कि इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो कहे योर ऑनर मैं इस फांसी की सजा को गवर्नमेंट को अर्पण करना चाहता हूं, गवर्नमेंट थोड़ी स्वीकारेगी। तो जीवन का पुण्य कर्म तो भगवान स्वीकारेंगे, लेकिन पाप कर्म नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए प्रयास यह करो कि हमसे कभी गलती से भी गलती ना हो। इतनी शक्ति, मैं गीत नहीं गा रहा केवल दो पंक्ति, हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। राजा निमी ने नवयोगेश्वर से प्रश्न किए, नवयोगेश्वर के नाम सुन लो, कविर हरिर अंतरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर होत्रोत्र दुमिलस चमसः कर भाजनः। ऋषभदेव भगवान के नौ पुत्र हुए, ये नौ पुत्रों के नाम है। और उसके बाद में महाराज द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे हैं, हम इन प्रश्नों का ज्यादा उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो इन्हीं प्रश्नों पर, इन नौ प्रश्नों पर अहमदाबाद में 10 दिन कथा हुई है, और 4-4 घंटे मूल पर, और यहां 10 मिनट में कैसे उस कथा को पूरा करें? हम बस इतना कहेंगे कि संसार में माया और माया से पार जाने का उपाय केवल सदगुरु के चरण शरण है, और दूसरा कोई नहीं है। जीवन में गुरु अगर है तो आप माया से पार जा सकते हो। माया किसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो, जो है ही नहीं, उसे माया कहते हैं। और ये पता कैसे चले? है सो नजर न आवही, और नहीं सो नैन दिखाए, यह कौतुक तुम लखो जब सदगुरु मिल जाए। यह चीज की लीला तब समझ में आएगी जब जीवन में गुरु हो जाए। और दो पंक्ति गाऊंगा, हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं ये साधक, आज प्रस्थान कर रहे हैं, इनकी यात्रा मंगल हो, दो ही पंक्ति गुनगुनाऊंगा जाते जाते, आप जा सकते हो समय अगर आपका विलंब हो रहा है तो। बिल्कुल हम हृदय से कह रहे हैं, हम आपके लिए ही गुनगुना रहे हैं यहां पर। अब ये हमारे एक ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने हमारी कलकत्ते में जितनी कथाएं हुई हैं, बेटी के ब्याह के समय की कथा छूटी होगी, बाकी कलकत्ते में होने वाली एक कथा इन्होंने नहीं छोड़ी। और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, खुद का ऑफिस है अपना। तो मैं एक पंक्ति गुनगुनाता हूं जो अपने गुरुदेव के लिए मैंने लिखी है। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। जब माया मोह में उलझा
मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पंथ दिखाया। गुरु के चरणों को तज कर अब और कहां मैं जाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन मेरे मन का रूप दिखाए, मुझे गुरु चरणों का दर्पण, गुरुदेव की कृपा हो तो टूटे पापों का बंधन, गुरुदेव की महिमा समझू और दुनिया को समझाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन मेरा अनुभव। संसार के तूफानों में गुरुदेव का मिला सहारा, जब डूबा भवसागर में गुरुदेव ने मुझको उबारा। तुम गाओ राम की महिमा, मैं तो गुरु जी को शीश नवाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। अनुराग के इस जीवन को मिली गुरु कृपा की छाया, मेरे उजड़े चमन के फूलों को गुरुवर ने महकाया। मैं पाऊं जन्म यदि फिर से तो इन्हीं गुरु को पाऊं, सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। सपनों में गुरु जी को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। नारायण बोली सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका में देवताओं का आगमन होता है, स्वधाम गमन चलने की प्रार्थना करते हैं। प्रभु कब चलोगे अपने धाम, आपकी 125 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है। शरत छतम व्यति आय पंच विशांतिकम प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा हम भी आयु के अधीन हो गए, बोले आप आयु के अधीन नहीं है, आप तो अपनी इच्छा के अधीन है, आप जैसा चाहो वैसे करो, लेकिन हम तो प्रार्थना करने आए हैं। देवताओं को कहा भगवान ने तुम जाओ, अब हम भी शीघ्र आ रहे हैं। तुरंत भगवान देवता सारे के सारे प्रार्थना करके गए। आज भगवान जाने की तैयारी, बच्चे आ गए, पिताजी कहीं जा रहे हो, बोले बच्चों 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी समुद्र में, जितने छोटे बच्चे हैं शंखोद्धार तीर्थ में जाओ, बड़े बच्चे पिंडारक क्षेत्र में चले जाओ। महाराज उद्धव का आगमन होता है, बच्चों के जाने पर तैयारी करते हैं बच्चे, उद्धव आते हैं। उद्धव और कृष्ण का ऐसा मार्मिक यहां संवाद है, आज ऐसा उपदेश किया, ये अंतिम उपदेश है श्री कृष्ण का इस धरती को छोड़ने से पहले अंतिम उपदेश। ऐसा हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अभी तक हमको निमि नवयोगेश्वर संवाद पर चर्चा करने को मिला, कभी ऐसा अवसर मिले कि कृष्ण और उद्धव संवाद पर चर्चा हो तो परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन का निचोड़ इसमें कहा, एक एक प्रश्न किए उद्धव ने और कृष्ण ने उत्तर दिया। अंत में जाकर के भगवान ने कहा उद्धव अब एक काम करो, बद्रीनारायण चले जाओ, वहां जाकर के अलकनंदा का दर्शन करना। इच्छया अलकनंदाया विधूता शेष कलमश, तुम्हारा कल्याण हो। उद्धव ने एक बात कही, प्रभु आपके जाने के बाद में आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे, तुम्हारे भक्त तुम्हारे वियोग में कैसे रहेंगे। तो भगवान उत्तर देते हैं निर्गुण निर्गुण की उपासना करें। तो भगवान की बात सुनकर उद्धव कहते हैं निर्गुणोपासने कष्टम, निर्गुण की उपासना में तो बहुत कष्ट है, अतः किंचित विचार है, अतः विचार करो आप, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। उद्धव गए, भगवान आए और महाराज बच्चों ने आज वो बोतल का ढक्कन खोला है जिसको पीकर लाखों के घर बर्बाद हो गए। मेरे एक नाम करके मदिरा बच्चों ने पान करी, एक दूसरे को गाली देने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आकर रोका, जो रोका है बलराम जी ने, महाराज भगवान को गाली दी है बलराम जी के लिए, श्री कृष्ण ने एर का घास उखाड़ लिया, मारने को उद्यत हुए, बलराम ने हाथ पकड़ लिया।
ले कृष्ण ये अपनी मौत स्वयं मरते हैं, तुम इनके लिए क्यों मारते हो। महाराज भगवान को लेकर बलराम आए, प्रणाम करी चरणों में बलराम ने, बोले कृष्ण युगों युगों का आपका सेवक हूं, इस बार आपने मुझे बड़ा भाई बना दिया है। राम अवतार में लक्ष्मण बनाया था, इस बार बलराम बना दिया, लेकिन आप छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, हूं तो आपका सेवक हूं, आज्ञा करें मेरे लिए, मुझे क्या करना है। दाऊ दादा अब आपके हमारे रहने का समय नहीं है, अब अपने धाम को आप जामे। प्रणाम करके बलराम ने तीन परिक्रमा भगवान की करी है, नेत्र बंद करके बैठे प्राणायाम किया, मस्तक फटा है, भगवान शेष निकले हैं, सीधे पाताल में जाकर के मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया, एक रूप में क्षीर सागर में जाकर शेष शैया के रूप में परिणित हो गए। देवता पुष्पों की वृष्टि जयकार करते हैं, बोलिए बलभद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण महाराज ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। इस प्रकार जो कहता है कि भगवान मर गए, कृष्ण मरे नहीं है, मरे तो वो जो जन्म ले गए, जो जन्म ही ना ले वो मरेगा कहां। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान के जन्म कर्म दोनों दिव्य हैं। महाराज भगवान बैठे इस प्रकार, सामने दारुक खड़े हैं, भगवान के ड्राइवर हैं, सारथी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रथ चलाते, हाथ जोड़कर दारुक खड़े हैं, भगवान नेत्र बंद करके पीपल के पेड़ के सहारे बैठे हैं। देखते ही देखते भगवान का आयुध शंख चक्र गदा पद्म ये आकाश की ओर जाने लगे, सब आयुध। दारुक देखे हे द्वारिका नाथ ये आयुध कहां जा रहे हैं, अस्त्र शंख चक्र गदा पद्म ये आकाश की ओर। भगवान श्री कृष्ण बोले हे दारुक तुम मेरे प्रिय हो, ये रहस्य जान लो, वो चैतन्य है जितने मेरे आयुध हैं, ये मरते नहीं है, मैं अवतार लेकर के आता हूं, तुम मेरे साथ ही अवतार लेकर आते हैं, और जब मेरे जाने का समय आता है तो मेरे साथ भगवत धाम जाते हैं। पारिजात का वृक्ष जब स्वर्ग से लेकर मैं द्वारिका आया था, तब इंद्र ने प्रार्थना करी थी, प्रभु गलती हो गई, पहचान नहीं पाया था, आप मर्त्यलोक में पारिजात का वृक्ष नहीं होता है, लेकिन भूल गया था आप मर्त्यलोक के प्राणी तो नहीं है, आप तो वैकुंठाधिपति गोलोक अधिपति है, इसलिए इसको लेकर के आप जा रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया, फिर भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप जब आवे तो इसको पुनः स्वर्ग में स्थापित कर दीजिए। और कल्प वृक्ष पारिजात का वह वृक्ष पुनः स्वर्ग में स्थापित हो गया, कहते हैं उसकी छाया जिस पर पड़ी उस पर महक आ गई, हार श्रृंगार के पुष्पों की चर्चा आती है कि हार श्रृंगार के जो पुष्प हैं उनमें पारिजात की ही खुशबू विद्यमान है। और महाराज दारुक अब तुम यहां से जाओ द्वारिका, अर्जुन आएगा कहना मेरी पटरानियों को लेकर के हस्तिनापुर चला जाए। प्रणाम करके परिक्रमा करके दारुक गए, रोते हुए रुदन करते, इधर जरा नाम करके व्याध ने हिरण समझ करके चरणों पर बाण चलाया, चरणों पर बाण लगते ही नीचे गिर पड़ा है। दारुक आए, जैसे ही जरा नाम करके व्याध आया द्वारिकाधीश को देखा तो रो पड़ा, क्षम्यताम क्षम्यताम हे प्रभु मैंने अनजाने में आप पर बाण चला दिया। भगवान ने कहा रे जरा रामावतार का ऋण चुक गया मेरा, अब जा अपने भगवत धाम। विमान में बैठा करके भगवत धाम सब परिवार भेजा, भगवान का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठा लो। भगवान के मन में केवल एक बात गूंज रही है, उद्धव की, निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारयः, निर्गुण की उपासना में कष्ट है, विचार करना कष्ट, विचार करना कष्ट, विचारिए कृष्ण। मध्य आकाश में भगवान का शरीर पहुंचा, देवता खड़े थे, सब देख रहे थे, आंखें सबकी बंद हो गई, भगवान के शरीर से जब एक तेज पुंज प्रकट हुआ है और उस तेज पुंज में भगवान का शरीर विलुप्त हो गया, जब नेत्र खोले सबने तो किसी ने कहा भगवान कहां गए, किधर गए,
कहा कि गोलोक गए, किसी ने कहा साकेत गए, किसी ने कहा बैकुंठ गए, वो तेज कहीं नहीं गया, वो तेज पृथ्वी पर उतर करके आया भगवान के शरीर का तेज और श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में प्रवेश कर गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत भगवान की जय। स्वकीयं यद् भवेत् तेज तच्च भागवते अधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयम् श्रीमद् भागवतार्णवम्। और उसके बाद अब केवल एक स्कंद, उस एक स्कंद में एक प्रसंग एक सुना करके जिसमें पूरी सात दिन की कथा का फल मिलेगा आपके लिए, वो अभी सुनाएंगे। दस मिनट में वो प्रसंग पूरा हो रहा है। सबसे पहले राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान भगवान के जाने के बाद कौन राजा हुआ? अब इसको सुन लो, ये भविष्यवाणी को, ये आज की लिखी हुई नहीं है भविष्यवाणी, ये 5000 साल पुरानी लिखी भविष्यवाणी। और बल्कि भागवत तो अनादि है, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई है। कहा राजन, शिशुनाग आदि 10 राजा आगे चल करके होते हैं, भगवान के जाने के बाद में जरासंध के वंश में पुरंजय नाम करके राजा हुए। पुरंजय, उनके मंत्री ने उन्हें मार करके अपने पुत्र सुनक को गद्दी पर बैठा दिया। सुनक मार करके राजा को मंत्री ने, हां मंत्री तो हितैषी होता है, कलयुग आ चुका है, अब तो जो नीचे कुर्सी वाले हैं वो सोचेंगे कब ऊपर कुर्सी वाला गिरे, हम ऊपर कुर्सी पर बैठे। ये कलयुग है, कलयुग का असर सुन लो। अब 5 राजा हुए जिन्होंने 138 वर्ष तक राज्य किया। आगे चल करके शिशुनाग आदि 10 राजा 360 वर्ष, सुमाल्य आदि 8 राजा 100 वर्ष, मौर्य वंश आगे चल करके आएगा, मौर्य वंशी 10 राजा 137 वर्ष राज्य करेंगे, शुंग वंशी 10 राजा 112 वर्ष राज्य करेंगे, फिर कण्व वंशी 4 राजा होंगे जो महाराज 345 वर्ष राज्य करेंगे, आगे चल के बलि लोमादि 30 राजा होंगे जो 456 वर्ष राज्य करेंगे, और छोटे मोटे राजा और होंगे जो 1099 वर्ष राज्य करेंगे। आगे चल करके 8 गद्दी मुसलमानों की होंगी, मुगलों का शासन आएगा। हम इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा मुगल शासन भी गुजर चुका है, और मुगल शासन अंग्रेजों के शासन से पहले आया है, और मुगल शासन के बाद में 10 गद्दी अंग्रेजों की होंगी, विदेशी आकर के राज्य करेंगे उस समय पर। भूयो 10 गुरुंडाश्च, 10 गद्दी गुरुंडा माने गुरुंडा, गुरुम गुरुम भाषायती थी गुरुंडा, अंग्रेज जिनकी भाषा पल्ले नहीं पड़ती ऐसे अंग्रेज इसमें शासन करेंगे। और आगे चल करके 11 गद्दी मौन की होंगी। अब भाजपा मौन, सपा मौन, तृणमूल मौन, कांग्रेस मौन, इस बात में हम भी मौन। हरिद्वार से गंगा निकली है, इलाहाबाद में मिल गई जाकर के, हरिद्वार से लेके प्रयागराज तक सौराष्ट्र देश में, आवीर प्रांत में, सूरसेन देश में, मालवा देश में, सिंधु नदी के किनारे कौंते नगरी और काश्मीर मंडल, इनमें केवल म्लेच्छों का राज्य हो जाएगा। वेद शास्त्रों का आचरण नहीं करेंगे, जीवन में पालन नहीं करेंगे, ऐसे म्लेच्छों का राज्य होगा। सूरदास का एक पद है, और सूरदास का पद क्या है? रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज। जब लोग कहते हैं ना हाय हाय कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, तो सूरदास कहते हैं रे मन धीरज क्यों न धरे, 1900 के आगे ऐसो योग पड़े, मेघनाद रावण को बेटा फिर कर जन्म धरे। मेघनाद का बेटा, रावण का बेटा मेघनाद, वो जन्म लेगा। हिंदू तेज तुर्क को नाशे जैसे कीट मरे, शुक्ल नाम संवत्सर हो गए खट सोमवार पड़े। अभी कौन सा संवत्सर है? विरोध कृत। आगे एक संवत्सर आएगा, उसका नाम होगा शुक्ल, शुक्ल नाम करके संवत्सर होगा, और शुक्ल नाम करके संवत्सर में 6 सोमवार पड़ेंगे एक साथ, एक एक महीने में। और हमने इसकी गणना की है अपनी बुद्धि अपनी, सूरदास की भविष्यवाणी झूठी हम नहीं मान सकते। जो हमने संवत्सर देखा
इस वो कब का है? संबत 2092 और हिंदी अंग्रेजी के हिसाब से 2035 सन 2035 अभी चल के आ रहा है 2035 में। उस समय महाराज संभवतः शाक है 1957 सिंह चंद्र मकर शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष ही पड़ेगा उस समय पर। और महाराज उस समय होगा क्या? शुक्ल नाम संवत्सर हो वे खट सोमवार पड़े फूटे फौज मिलिच्छ राजन की गंद फिसाद करे। जब ये समय आएगा 2035 में तब मिलिच्छ जो वेदों का पालन नहीं करते हैं ऐसे लोग आक्रमण करेंगे इस भारत पर। बीसी रुद्र हो गत जवही ब्रह्म प्रकाश करे कछु दिन फिर ऐसो हो वे सब आप ही आप मरे राजा प्रजा नाश सब ही को देश में मिलिच्छ मरे मार मार दुनि हो चौदिश पृथ्वी भार हरे। और तब दक्षिण दिशी फौज उठ आवे तब सुख चैन पड़े। फिर दक्षिण दिशा से फौज तब सुख चैन पड़ेगा। और महाराज उस समय ऐसा लगेगा 80 वर्ष तक कि मानो सतयुग आ गया हो। 80 वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े नीति धर्म आचरण होवे ज्ञान वैराग्य उमड़े। तो सूरदास अंत में कहते हैं सूरदास होनी सो होएगी तू क्यों सोच करे रे मन धीरज क्यों न धरे रे मन धीरज क्यों न धरे। महाराज आपको उस बड़े दिनों के बाद ये सूरदास की भविष्यवाणी कथा में कही है गोविंद देव जी के चरणों में समर्पित की है इसके लिए। आगे चलकर के कलयुग में क्या होगा? बोले धन की प्रधानता होगी। जहां देखो पैसा टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपह यस्य गेहे टका नास्ती संशय टकटकायते हर जगह टका। सब जाति ब्राह्मण बनेंगी बस जनेऊ पहना और ब्राह्मण हो गए। जनेऊ क्यों सब जाति पहनेंगी? क्योंकि ब्राह्मण अपने कंधे की जनेऊ छोड़ेगा तो बाकी जाति ग्रहण करेगी। हम धर्म छोड़ेंगे तो दूसरे उसको अपनाएंगे। दूर शहर के तीर्थ तीर्थ माने जाएंगे अपने यहां का तीर्थ तीर्थ नहीं माना जाएगा। नारी का श्रृंगार केश रह जाएगा धनवान पैसे वाला साधु माना जाएगा। भाई भाई से भाई साहब नहीं कहेगा साले से भाई साहब कहकर बात करेगा। कौड़ी के लिए एक दूसरे को लोग मारेंगे। धन है तो पत्नी सेवा करेगी धन नहीं तो सेवा नहीं करेगी। कलयुग में कोई साधन काम नहीं आएगा केवल भगवान नाम ही है जो भव सागर से पार लगाएगा। एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। ये माला कौन सी है? अभी अभी कथा सुनाई थी हमने कलकत्ते बताओ माला कौन सी है वाली। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की हमारी इंद्रियों की माला। आज इतनी कीमती माला है कि कोई कहे कि 10 लाख रुपए लो और अपने दोनों हाथ काट के दे दो दे सकते हैं। 2 लाख रुपए लो दोनों आंखें निकाल के दे दो। एक काम करो 5 लाख लो अपनी जीभ काट के दे दो। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। छूट जाए न माला कहीं नेम की छूट जाए न माला कहीं नेम की देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे देख जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। आप मानो न मानो
खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। नित्य नैमित्तिक आत्यंतिक और प्राकृतिक प्रलय वर्णन करके राजा परीक्षित को सुखदेव कहते हैं, विचार करके अगर मैं नहीं गया तो तक्षक नहीं आएगा। कहते हैं राजन जितने प्रश्न तूने किए मैंने उत्तर दिया, अब मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तक्षक आने वाला है, तुझे कैसा लग रहा है? बोले भगवान अब फिक्र नहीं। मारवाड़ी में कहे फिक्र कोनी, फिक्र कोनी, अब कोई फिक्र नहीं। क्यों? अब एक नहीं 100 तक्षक भी आ जावे तो मुझे डर नहीं है। क्यों? तक्षक मुझे मार ही नहीं सकता। तक्षक तो इस शरीर को मारेगा जो पहले से ही मरा मराया है। भगवान तक्षक आदिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेम्य हम। और भागवत का सबसे पहला फल है निर्भयता, संसार भय नाशनम। सबसे पहला फल भागवत का, भागवत निर्भय बनाती है। और भागवत का अंतिम फल भगवान के चरणों में अनुराग पैदा कर देती है, भक्ति पैदा कर देती है। यह भागवत का अंतिम फल है। और उसके बाद में राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन अर्चन करते हैं। हमारे प्रतिनिधि यजमान भी यहां पर सुखदेव जी का पूजन कर लेंगे। और उसके बाद में राजा परीक्षित नेत्र बंद करके बैठे हैं। सुखदेव जी के जाने के बाद में पूजन करने के उपरांत चारों तरफ से जन्मेजी ने पहराबंदी कर दी है। तक्षक नाम करके नाग चला है, कश्यप ब्राह्मण वो बचाने चले हैं। कहा कहां जा रहे हो? बोले बचाने, क्योंकि तुम मारने जा रहे हो, हम बचाने जा रहे हैं। बोले इतनी शक्ति तुम में कि जिसको मैं मारूं तुम बचा लो? बोले हां शक्ति है, दिखाओ। एक हरे भरे पेड़ पे पक्षी बैठे हैं, लकड़हारा खड़ा है, बिस्की फुंकार मारी सब झड़ गया, सब मर गए। मंत्र पढ़ करके जो छींटा मारा लकड़हारा जिंदा, पेड़ के पत्ते हरे भरे, पक्षी चहचाने लगे। ओहो अरे कष्ट, अरे हमें गरुण मंत्र सिद्ध है, तक्षक तेरा जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों जाना चाहते हो? राजा को बचाऊंगा तो राजा धन देंगे। बोले एक काम करो, इस पेड़ के नीचे गड़ा हुआ धन ले जाओ। जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन लेकर के कश्यप चले गए। जिस जगह से मुड़ करके गए उस जगह का नाम मोरना, सुक्ताल में यह स्थान है, मुजफ्फरनगर के पास सुक्ताल है, वहां स्थान है मोरना, वहीं से मुड़ करके गए। और तक्षक आया है, सूर्यास्त होने जा रहा है, बंद कर दिया जन्मेजी ने, अंदर कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मण का वेश तक्षक ने बना लिया है और कहा कि हम बड़ी दूर से चल करके आए हैं तुम्हारे पिता के पास मिलने के लिए, तुम नहीं जाने देते, तो एक काम करो ये अमर फल ले जाओ, और ये अमर फल ले जा करके तक अपने पिता को दे देना, आशीर्वाद है हमारा। अमर फल अंदर ले जा करके रख दिया। जो अमनिया किया गया वह अमर फल, उसमें विष उगलता हुआ सर्प निकला है, राजा परीक्षित के देह को चारों तरफ से लपेट लिया है, मस्तक पर डंक मारा है और मार करके सीधे खिड़की से होकर के आकाश मार्ग में निकल गया। राजा परीक्षित का देह भूमि पर गिर पड़ा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार की। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और जन्मेजय को जब देखा, जन्मेजय ने मेरे पिता मर गए, रो पिताजी पिताजी छोड़ करके कहां चले गए पिताजी। जन्मेजय को क्रोध आया, बुद्धि बिगड़ी। यही क्रोध परीक्षित को भी आया था, जब ही ऋषि के गले में सर्प डाला था। आज कलयुग ने प्रभाव दिखाया, जन्मेजय की बुद्धि बिगड़ी। और जन्मेजय ने किया क्या? सर्प यज्ञ किया, अनेक सर्प उस अग्नि कुंड में गिर गए, मरने लगे। तक्षक नहीं आया है, कहां बैठा है तक्षक? बोले अभी स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन से अलबेटा मार कर बैठा है। अरे ब्राह्मणों तुम्हारे मंत्र में शक्ति नहीं, इंद्र आकर के यहां पर गिर जाए इस अग्नि में। अरे जन्मेजय सारा संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा देवता ब्राह्मण देवता है। देख हमारे मंत्र का प्रभाव, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात ब्राह्मण देवता। जो आहुति दी मंत्र पढ़ करके महाराज इंद्र इंद्र का सिंहासन चल पड़ा, अग्नि कुंड में जो गिरने लगा है, देवगुरु बृहस्पति ने आकर हाथ पकड़ लिया। अरे जन्मेजय तेरे पिता को तक्षक ने नहीं मारा, लेकिन तेने एक तक्षक के लिए न जाने कितने सर्पों की बलि दे दी है, तेरे पिता को मृत्यु मारी है तक्षक ने नहीं, इसलिए यज्ञ बंद कर, आज्ञा मानकर यज्ञ बंद किया है। अब आपको एक अध्याय सुना दूं और वाणी को विश्राम करता हूं। इसी एक अध्याय में पूरी कथा है। मैं चाहूंगा
कि आप लोग बड़े प्रेम से ध्यान से अगर संभव हो तो नेत्र बंद करके बैठो, और नेत्र बंद न कर पाओ तो कम से कम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बैठ जाओ, शांत होकर के इस अध्याय को सुन लो, पूरी कथा का फल आपको मिल जाएगा। ओ नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनाः। श्रीमद् भागवत महापुराण कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं। सप्ताह भागवत क्रम में 6 अध्याय का पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य है। 1 से लेकर के 3 अध्याय तक परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा के कार्य, परमात्मा की कृपा आ रहा है, और सूत शौनक आदि ऋषियों का संवाद है। 4 से लेकर 5 नारद भक्ति का संवाद है। सनत कुमार द्वारा ज्ञान वैराग्य का उद्धार है। 4 से लेकर 5 अध्याय तक आत्मदेव व गोकर्ण की कथा है। गोकर्ण द्वारा धुंधकारी का उद्धार है। 6वें अध्याय में सप्ताह श्रवण विधि का वर्णन है। इसी के साथ पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित है। प्रथम स्कंद 19 अध्याय है। 1 से लेकर 6 अध्याय तक श्रोता वक्ता के 2-2 अध्याय में लक्षण वर्णन किए हैं। 7 से लेकर 18 अध्याय तक वेद व्यास जी का असंतोष है। नारद जी का पूर्व चरित्र है। परीक्षित का जन्म है। भीष्म पांडवादि का चरित्र है। परीक्षित की दिग्विजय है। गौ पृथ्वी बैल धर्म इनका संवाद है। कलयुग का निग्रह है। राजा परीक्षित को शाप है। परीक्षित का गंगा तट पर आकर के बैठना है। 19वें अध्याय में श्री सुखदेव मुनि का प्राकट्य है। इसी के साथ में प्रथम पुष्प श्री ठाकुर गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय है। 1 से लेकर 4 अध्याय तक स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन है। 5 से लेकर 8 अध्याय तक ब्रह्मा नारद का संवाद है। 9वें अध्याय में नारायण द्वारा ब्रह्मा के लिए 4 श्लोकों में भागवत प्रदान करना है। 10वें अध्याय में महापुराण के 10 लक्षण वर्णन किए हैं, और भगवान विराट के इंद्रियों में कौन कौन देवता बैठा हुआ है इसका वर्णन किया गया है। देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है, इंद्रियों में देवताओं की उत्पत्ति का। इसी के साथ द्वितीय पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। तृतीय स्कंद 33 अध्याय है। 1 से लेकर 4 अध्याय तक विदुर जी का गृह त्याग है। उद्धव विदुर श्री धाम वृंदावन में मिलन है। विदुर का मैत्री मुनि के पास हरिद्वार के कुशावर्त घाट पर आगमन है। 5 से लेकर 10 अध्याय तक ब्रह्मा की 10 प्रकार की कारण सृष्टि है। 11 से लेकर के 19 अध्याय तक भगवान के वैकुंठ का वर्णन है। जय विजय भगवान के द्वारपाल है, इनको संकादिक कुमारों का शाप है। 3 जन्मों का राक्षस होने का भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया। 20 से लेकर 24 अध्याय तक भगवान के पिता करदम देवहूति का विवाह है। 9 कन्याओं का जन्म है। भगवान कपिल का प्राकट्य है। ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह है। 25 से लेकर 32 अध्याय तक भगवान कपिल का अपनी माता देवहूति को उपदेश है। कपिलोपदेश सांख्य योग का वर्णन है। और 33वें अध्याय में भगवान कपिल की विदा है। मातृमुक्ति सिद्धपुर में हुई है। इसी के साथ तृतीय पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय है। 1 से लेकर 7 अध्याय तक सती चरित्र है। 8 से लेकर 12 अध्याय तक ध्रुव चरित्र है। 13 से लेकर 23 अध्याय तक अंगवीन प्रथु का चरित्र है। 24 से लेकर 29 अध्याय तक प्राचीन बरी के पुत्र प्रचेताओं का तप हेतु वनगमन है, रुद्र गीत है, पुरंजन उपाख्यान है। 30 और 31वें अध्याय में प्रचेताओं का तप पूर्ण हुआ है। वार्षिक कन्या से इनका विवाह है। दक्ष का जन्म है। नारद जी का उपदेश है प्रचेताओं के लिए। इसी के साथ में चतुर्थ पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। पंचम स्कंद 26 अध्याय है। 1 से लेकर 5 अध्याय तक प्रियव्रत, आग्निद्र, लभी तथा ऋषभदेव भगवान का चरित्र वर्णन है। 6 से लेकर 15 अध्याय तक जड़ भरत रहुगण का संवाद है। भवाटवी का वर्णन है। रहुगण की ज्ञान प्राप्ति है। 16 से लेकर 20 अध्याय तक भूगोल का वर्णन है। 21 से लेकर 23 अध्याय तक खगोल का वर्णन है। 24 और 25वें अध्याय में पाताल आदि लोकों का वर्णन है। और 26वें अध्याय में 28 नरकों का वर्णन है। दक्षिण दिशा में ये नरक हैं। इन्हीं के साथ में पंचम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। 6 स्कंद 19 अध्याय है। 1 से लेकर 3 अध्याय तक अजामिलोपाख्यान, भगवान नाम की महिमा है। 4 से लेकर 7 अध्याय तक दक्ष के 11,000 और 1,000 बच्चे, उनको नारद जी के द्वारा वैराग्य दिलाकर के बाबा जी बना देना है।
दक्ष के द्वारा 7 कन्याओं का संकल्प लेकर उनका जन्म होना है। दक्ष का नारद को शाप है, देवताओं के गुरु बृहस्पति का इंद्र को शाप लगा है, देवता तथा राक्षसों का युद्ध है। त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित इंद्र ने बनाया है। त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप ने 8वें अध्याय में नारायण कवच का उपदेश किया है, इंद्र ने उनका वध किया है। 9 से लेकर 18 अध्याय के बीच में विश्वरूप का वध, वृत्तासुर का चरित्र, चित्रकेतु का चरित्र वर्णन है। 19वें अध्याय में मरुदगणों का जन्म है और पुंसवन व्रत की कथा का वर्णन है। इसी के साथ षष्ठ पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरण में समर्पित। सप्तम स्कंद 15 अध्याय है, 1 से लेकर 10 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है, नरसिंह अवतार है, हिरण्यकश्यप का वध है और त्रिपुर दहन की कथा का वर्णन है। 11 से लेकर 15 अध्याय के बीच में कर्म पंचाध्यायी का वर्णन है। इसी के साथ में सप्तम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अष्टम स्कंद 24 अध्याय है, 1 से लेकर 4 अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष है, 5 से लेकर 12 अध्याय तक समुद्र मंथन मोहिनी अवतार देवासुर संग्राम है, 13 से लेकर 23 अध्याय तक अंग महाराज पयोव्रत का वर्णन है, बलिवामन चरित्र है, 24वें अध्याय में भगवान का मीनोपान मीन अवतार की कथा है, मत्स्य अवतार की कथा मीनोपाख्यान का वर्णन है। इसी के साथ अष्टम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरण में समर्पित। नवम स्कंद 24 अध्याय है, 1 से लेकर 3 अध्याय तक सूर्यवंश का वर्णन, 13 अध्याय में 11 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें 1 से लेकर 3 अध्याय तक सूर्यवंश के अंतर्गत मनुजी महाराज का चरित्र है, सुकन्या का जन्म है, शरियाती का वंश वर्णन है, 4 से लेकर 6 अध्याय तक नाबाग अमरीश का चरित्र है, दुर्वासा के दुखीन वृत्ति है, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन है, मानदाता तथा सौबरी की कथा है, 7 से लेकर 9 अध्याय तक त्रिशंकु हरिश्चंद्र सगर भगीरथ का चरित्र है, गंगा का अवतरण है, 10 से लेकर 13 अध्याय तक श्री राम का चरित्र है, निमि का देह त्याग है, विदेह वंश वर्णन है और 14 से के 17 अध्याय के मध्य में चंद्रवंश का प्रारंभ होते हुए ऋषि जमदग्नि परशुराम का चरित्र है, 18 से लेकर 20 अध्याय तक ययाति दुष्यंत भरत का चरित्र है, 21 से लेकर 24 अध्याय तक भरत रंतिदेव पांडवों का जन्म है और संक्षिप्त में पूर्ण कृष्ण कथा का वर्णन है। इसी के साथ नवम पुष्प श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। दशम स्कंद 90 अध्याय, पूर्वार्ध में 49 अध्याय, 41 अध्याय उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध के अंतर्गत 1 से लेकर 4 अध्याय तक देवकी वसुदेव का विवाह है, कंस द्वारा बंदी गृह में डालना है, उग्रसेन को बंदी गृह में, देवक को बंदी गृह में, देवकी के 6 बालकों की हत्या कर देना है, 7वें गर्भ के रूप में शेष ने देवकी के प्रवेश किया, योग माया के प्रभाव से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिए गए, 8वें गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है, गोकुल पहुंचा दिए गए हैं, कंस कन्या जो वसुदेव लेकर आए हैं वो दुर्गा का रूप धारण विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी के रूप में होती है और उसके बाद 5वें अध्याय में नंदोत्सव का वर्णन है, नंद का कंस को कर देने के लिए मथुरा गमन है और महाराज कंस को कर देने के लिए मथुरा गमन, वसुदेव से वार्तालाप, 6 से लेकर 7 अध्याय के बीच में पूतना का उद्धार है, माता की गति प्रदान करी पूतना को भगवान ने, शक्रासुर तृणाव्रत का वध है, 8वें अध्याय में भगवान की नामकरण लीला संस्कार गर्गाचार्य जी के द्वारा संपन्न हुआ है, 9 से लेकर 10 अध्याय तक उखल बंधन है, यमला अर्जुन का उद्धार है, 11 से लेकर 12 अध्याय तक गोकुल से भगवान का वृंदावन जाना है, बत्सासुर बकासुर अघासुर इनका मोक्ष है, 13 से लेकर 14 अध्याय तक ब्रह्मा का मोहभंग है, ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति है, 15वें अध्याय में गोचारण लीला है, 16 से लेकर 18 अध्याय तक काली मर्दन है, रणबासुर का वध है, 19 से लेकर 20 अध्याय तक दावानल भगवान का अग्निपान करना है, ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है और महाराज 21 से लेकर 23 अध्याय तक वेणु गीत है, चीर हरण है, यज्ञ पत्नियों पर कृपा है, 24 से लेकर 28 अध्याय तक गिरिराज पूजा है, भगवान का गोविंदाभिषेक है, नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर के आना है, सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराना है, 29 से लेकर 33 अध्याय तक राजपंचाध्यायी महाअश्लीला का वर्णन है, 34वें अध्याय में शीतला माता का पूजन करने के लिए भगवान गए हैं ब्रजवासियों के साथ सबके साथ, वहां पर नंद बाबा के एक अजगर ने पांव पकड़ा है, सुदर्शन से मुक्ति कराई है भगवान ने, शंखचूड़ का उद्धार किया, 35वें अध्याय में युगल गीत है, 36 से लेकर 44 अध्याय तक भगवान का श्रीधाम वृंदावन से मथुरा गमन है, तोवी दर्जी माली कुब्जा इन पर कृपा है, धनुष भंग है, कुवलिया पीढ़ हाथी का वध है, 5 पहलवानों का वध है, कंस का वध है, कंस के 8 भाइयों का वध है, 45 से लेकर 49 अध्याय तक विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान सांदीपनि गुरुदेव के यहां पर उज्जैन गए हैं, उन 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करी है, मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर के यमराज को 3 दिन में पराजित करके मरे हुए गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा में भगवान ने सौंपा है, उद्धव ब्रजगमन है, गोपी उद्धव संवाद है, भ्रमर गीत है, कुब्जा के यहां भगवान का एक रात्रि जाकर रुकना है, अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना है पांडवों का समाचार लाने के लिए। इसी के साथ दशम स्कंद का पूर्वार्ध श्री ठाकुर गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित। उत्तरार्ध 41 अध्याय, 50 से लेकर 90 अध्याय तक
जरासंध से युद्ध है, कालिय वन का वध है, मुचकुंद का उद्धार है, रुक्मणी आदि विवाह है, नरकासुर का वध है, रुक्मणी परिहास है, वाणासुर चरित्र है, कृष्ण गृहस्थ वर्णन है, राजसु यज्ञ है, जरासंध शाल विशिषपाल दंतवक्त विदुर अतिन का वध है, बलराम जी द्वारा सूत जी का वध है, उनके पुत्र को गद्दी पे बैठाना है, उसके बाद बलबल दानव का बलराम जी के द्वारा वध है, सुदामा चरित्र है, कुरुक्षेत्र में मिलन है, द्वारिका में सुभद्रा में हरण है, वेद स्तुति है, बकासुर का वध है, भृगु चरित्र है, द्वारिका में अपराकृत लीला विहार है। इसी के साथ दशम स्कंद का उत्तरार्ध श्री राधा माधव युगल बिहारी सरकार के चरणों में समर्पित। अब एकादश स्कंद 31 अध्याय हैं। पहले अध्याय में यदुवंशियों को शाप है, 2 से लेकर 5 अध्याय तक श्री नारद का वसुदेव के पास आगमन है, निमी नवयोगेश्वर संवाद सुनाना है, 6वें अध्याय में देवताओं का द्वारे का आगमन है, श्री कृष्ण से स्वधाम गमन चलने की प्रार्थना करके लौटना है, स्तुति करते हुए उद्धव का श्री कृष्ण के पास आगमन होता है, 7 से लेकर 9 अध्याय तक अवधूतोपाख्यान, 24 गुरुओं की दत्तात्रेय उपाख्यान इनकी कथा है, 25वां गुरु शरीर को बनाया है, 10 से लेकर 28 अध्याय तक श्री कृष्ण द्वारा उद्धव के एक एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संसार का मिथ्यात्व वर्णन करना है, बद्ध मुक्त भक्त की गति का वर्णन है, ये संसार मिथ्या है, भगवान सत्य है, इसका प्रतिपादन यहां किया गया। बद्ध मुक्त भक्त की गति का वर्णन है, भक्ति के लक्षण है, सत्संग की महिमा है, हंसोपाख्यान है, ध्यान विधि अष्ट सिद्धि का वर्णन है, भगवान की विभूतियों का वर्णन है, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के धर्म का निरूपण है, यम नियमादि का वर्णन है, प्रकृति पुरुष से विवेक की प्राप्ति का वर्णन है, तत्वों की संख्या है, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, सांख्य योग का, क्रिया योग का, परमार्थ का निरूपण है, 29वें अध्याय में भागवत धर्मों का निरूपण है, उद्धव का बद्रिका आश्रम गमन है, 30वें अध्याय में यदुकुल का संहार है, 31वें अध्याय में भगवान का स्वधाम गमन है। इसी के साथ एकादश पुष्प श्री गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित। द्वादश स्कंद 12वां स्कंद भागवत का विश्राम स्कंद, 13 अध्याय है, 1 से लेकर 3 अध्याय तक कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के राजाओं में दोष बताए कलयुग में क्या है और उन सबसे बचने का उपाय एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है, 4 से लेकर 5 अध्याय तक 4 प्रकार की प्रलय है, श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश है, 6 से लेकर 7 अध्याय तक परीक्षित का देह त्याग है, जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ है, वेदों की शाखा का वेद है, 8 से लेकर 10 अध्याय तक मार्कंडेय की तपस्या है, वर प्राप्ति है, माया का दर्शन है, शंकर का वरदान है, 11वें अध्याय में सूर्य युग का वर्णन है, 12वें अध्याय में भागवत विषयानुक्रमणिका है जो हम आपको सुना रहे हैं, और 13वें अध्याय में पुराणों की श्लोक संख्या है और श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसी के साथ द्वादश पुष्प श्री गोविंद देव जी के चरणों में समर्पित, बल्कि 1 से लेकर 12 स्कंद और महात्म भी श्री राधा श्री गोविंद देव जी महाराज के चरणों में समर्पित है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ विश्राम लेती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप लोगों ने ऐसी भागती हुई कथा कभी सुनी नहीं होगी, इतनी भागती हुई कथा आपने सुनी है, ये हमारे यहां की गुरु परंपरा है और आज तक हमने इसको बंद नहीं किया है। हमको कईयों ने कहा ये बंद कर दो, इससे लाभ क्या है, हमारे गुरुदेव ने बंद नहीं किया, उनके गुरुदेव ने बंद नहीं किया तो हम कैसे बंद करेंगे इस परंपरा को, इस परंपरा का लाभ सुन लो। कोई सोचता है इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक सूत्र कहता हूं, दवाई खाने पर पता ना हो कि इसमें क्या सॉल्ट है लेकिन खाने पर लाभ करता है, ये आपने सुना है, ये समझ में आवे नहीं आवे लेकिन सुनने पर 7 दिन की पूरी कथा का फल आपको मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भागवत की परंपरा कोई किताब से पढ़ी हुई परंपरा नहीं है कि खंडेलवाल की बुक स्टॉल से खरीद ली हो, परंपरा यहां से प्राप्त हो गई हो, कि विद्यापीठ चौराहे पर पड़ी मिल गई हो। ये कौन सी परंपरा है, नारायणी परंपरा। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाई है 4 श्लोकों में, ब्रह्मा ने नारद जी को भागवत पढ़ाई 4 श्लोकों में, नारद जी ने वेदव्यास को भागवत दी 4 श्लोकों में, वेदव्यास जी ने इसका विस्तार किया 18,000 श्लोकों में, और वेदव्यास जी ने सुखदेव और सूत को पढ़ाई है, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को सुनाई है, शौनकादिक ऋषियों ने हमारे गुरुजनों के गुरुजनों को सुनाई है, हमारे गुरुजनों के गुरुजनों ने हमारे गुरुजनों को सुनाई है, हमारे गुरुजनों ने हमें सुनाई है, और हम आपको सुना रहे हैं, नारायणी परंपरा उतर करके आ रही है। कस्मयेन विभासितो यमतलो ज्ञान प्रदीपं पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगींद्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। भागवत सुनकर के मांगना क्या चाहिए, एक बार मैं कहूं और एक बार आप कहें। वैसे तो भागवत जिन जिन ने यहां सुनी, जिस कामना से सुनी, भगवान गोविंद देव जी की कृपा से
भागवत भगवान का अनुग्रह आप सबके ऊपर बरसे और आपकी मनोकामना पूरी हो, हम यही प्रार्थना गोविंद देव जी के चरणों में करते हैं। लेकिन भागवत सुनकर के क्या मांगे, भागवत में लिखा है धन संपत्ति आयु लंबी हो जाए, नहीं भैया एक बात याद रखना, बहुत लंबा भी जिए दीर्घजीवी, दीर्घजीवी कोई नहीं होना, दिव्य जीवी हो। लंबा जिए महत्वपूर्ण नहीं है, कितना दिव्य तुम्हारा जीवन रहा है, कितना डिवाइन तुम्हारा जीवन रहा है, चाहे कम ही रहे हो। स्वामी विवेकानंद 32 वर्ष, आद्य शंकराचार्य की आयु कितनी रही थी, दिव्य जीवन जी करके गए, तो आज तक उनका गुणगान हम कर रहे हैं। हम 100 साल जिए और गधे घोड़े की तरह खच्चर की तरह जिए तो बेकार, और हम जीवन के जो समय जिए वो हमारा जीवन दिव्य होवे तो कम आयु भी हमारी बहुत बढ़िया है। इसलिए क्या मांगे भगवान से, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वम्नो यतः प्रभु, नाथस्त्वम्नो यतः प्रभु, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, 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 तं नमामि हरिं परम। बोलिए व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की, श्री राधा गोविंद देव भगवान की। देखो हमने कथा सुनी है, हमने आप लोगों ने कथा सुनी है, तो बिना दक्षिणा के कथा पूरी नहीं होती, और दक्षिणा तो देनी चाहिए तभी पूरी होगी। लेकिन हमें जो दक्षिणा चाहिए वो केवल एक, कौन सी दक्षिणा, अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ करके सदाचार को जीवन में अपनाते हुए, सद्धर्म को जीवन में अपनाते हुए भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसर हमारा जीवन हो वे, हमें यह दक्षिणा आपसे चाहिए। हमारा जीवन गलत रास्ते पर न जावे, सही रास्ते के हम अनुगामी हो, हम वैदिक पथिक बने। मैंने अब हम प्रोफेशनल कथावाचक नहीं है इसलिए हम बार बार अनाउंस नहीं कर पाते। कलकत्ते में भी हमसे आज पवन जी कह रहे आपने विश्राम वाले दिन अनाउंस किया था कि यहां कथा हो रही, आप रोज करते तो यहां सारी व्यवस्था और भी ज्यादा, अब हम प्रोफेशनल होते तो निश्चित करते, एक बढ़िया एंकर होता, महाराज जी ऐसा कर रहे हैं आप उसमें सहभागी होइए, रोज ही अनाउंस करते। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें स्मरण नहीं रहता। लेकिन हम अपने वैदिक यात्रा परिवार के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक परिवार है, उसका नाम है वैदिक यात्रा परिवार। परिवार, परिवार से तात्पर्य है जिसमें प्रेम भरा हो। मकान और घर में अंतर होता है, हर्षदा सुनना, मकान और घर में अंतर होता है। मकान ईंट पत्थर का होता है वो मकान कहलाता है, और जिसमें प्रेमी रहते हैं, प्रेम भरा रहता है, वो घर कहलाता है। अगर हमारा हाड मास के शरीर इसमें प्रेम नहीं है तो ये शरीर बेकार हो गया। रति बिनु राज, रति बिनु पाट, रति बिनु छत्र नहीं एक टीको, रति बिनु तात, रति बिनु मात, रति बिनु मानस लागत फीको, रति बिनु साधु, रति बिनु संत, रति बिनु जोग की होए जति को, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, नर है रति बिनु एक रत्ती को। जिसमें रति नहीं है वो एक रत्ती की कीमत है, प्रेम हृदय में हो। चलो चले अब उस नगरी जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं, जहां मान नहीं अपमान नहीं, मन मस्त दीवाने रहते हैं। ये है परिवार, तो हमारा वैदिक यात्रा परिवार ये परिवार। साथ में यात्रा, जीवन एक यात्रा है, हम सबका जीवन भी एक यात्रा है, लाइफ इज अ जर्नी। लेकिन ये यात्रा का अर्थ क्या है, याति त्राति रक्षतीति यात्रा, जो रक्षा पूर्वक अपने चरम लक्ष्य को पहुंचा दे, चरम लक्ष्य की प्राप्ति करा दे, वास्तविक जो रियल गोल है वो अचीव हो जाए, रियल ऑब्जेक्ट मिल जाए लाइफ का, उसका नाम यात्रा है। आप
चार धाम की यात्रा करने गए और नहीं गए, नहीं जा पाए, पहाड़ गिर गया, तो यात्रा होगी? चरम लक्ष्य को प्राप्त करके, तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का चरम लक्ष्य जन्म लाभ पर पुंसाम अंति नारायण स्मृति ही। इस जन्म का लाभ है, जीवन का लाभ है, अंतिम क्षण में नारायण की स्मृति हो जाए। आप सोचोगे कितना सरल है ये, तो अंतिम क्षण में भगवान को याद कर लें, लेकिन एक बात याद रखो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही, आएगा ही नहीं। यात्रा जब होती है तो मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, डाल दो, या फिर वो सैटेलाइट से पकड़ता है, या फिर बोर्ड देखो हम सही रास्ते चल रहे हैं कि नहीं, या फिर आदमी से पूछ लो भैया रास्ता बताओ, इस जगह जाना है हमें। तो तीन चीजों के द्वारा ही व्यक्ति अपने मंजिल को पा सकता है, बताओ चौथी चीज है कोई? नहीं है। अब बात है कि ऐसा व्यक्ति कोई है नहीं जो हमें सही रास्ते पे चला रहा है, अभी हर कोई भटका रहे वाले का, दस मुंह दस बात है, ठीक। और बोर्ड, आंधरे को बोर्ड भी नहीं दिखेगा, जीपीएस सिस्टम, तो जीपीएस सिस्टम में भी कभी भटकाव होता है कि नहीं होता? जीपीएस सिस्टम में भी भटकाव हो जाता है, कभी रास्ता ऐसा आ जाता है सामने दीवार, अरे भैया हमें तो मंजिल दिखा रहा था, हम कहां पहुंच गए? क्यों भटकाव? क्योंकि जीपीएस सिस्टम में अभी पूरी पूरी तरह से सैटेलाइट का फीड नहीं है, ठीक। जीवन में अगर हम सही मंजिल अपनी पाना चाहते हैं मानव जीवन की, तो वेद शास्त्र ही हमें सही रास्ता बताएंगे, लेकिन वेद शास्त्र बताने वाला सदगुरु यदि जीवन में होगा तो हम मंजिल पा जाएंगे। ये ताली बजाने वाली बात थी। ये साधुओं की परपाटी है। अयोध्या वाले कैसे करते हैं? जय जय श्री सीताराम, ऐसे अयोध्या वाले संत करते हैं। और हम लोग ब्रजवासी जय जय श्री राधे महाराज। तो सदगुरु सैटेलाइट, सदगुरु जीपीएस, और वेद शास्त्र का सैटेलाइट उसके अंदर भरा हो। शाब्दे परेच निष्णातम, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म का सैटेलाइट उसमें भरा हुआ हो, ऐसा सदगुरु आपको आपकी मंजिल पहुंचाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार काम करना, मनमाने ढंग से मत करना। जो मनमाने ढंग से करता है शास्त्रों की मर्यादा को छोड़ करके, न सुख मिलता है, न सफलता मिलती है, न उत्तम गति मिलती है। इसलिए वैदिक यात्रा परिवार का मतलब है वेद सम्मत शास्त्र सम्मत यात्रा, जिसमें प्रेम भरा हुआ है, उसका नाम है वैदिक यात्रा परिवार। इसमें जो जुड़ता है उनको हम यहां से यही प्रेरणा देते हैं कि हमारा जीवन वेद शास्त्र से युक्त हो। कभी भी कोई समस्या आए तो उन प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं और प्रामाणिक रूप से आपको उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि मनगणंत मन की बात कह दी, ऐसे कर दिया, कर लो। आपको वाणी से जो बोला जाएगा तो हिंदी भी कही जाएगी, संस्कृत भी कही जाएगी, और शास्त्र का प्रमाण भी दिया जाएगा कि किस पुराण में, किस वेद में, किस ग्रंथ में, किस स्कंद में, किस अध्याय में, किस श्लोक में यह बात लिखी गई है। यह वैदिक यात्रा परिवार है, ऑथेंटिकेशन के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में, इसका नाम वैदिक यात्रा परिवार है। और इस परिवार के मुखिया हाड़ मास के शरीर वाले कोई प्राणी नहीं है, श्री राधा माधव युगल विहारी सरकार ही इसके मुखिया है और दूसरा कोई नहीं। तो जिनको भी इस परिवार में जुड़ना हो कि हम इससे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भगवान गोविंद देव जी के प्रतिनिधि बने हुए हमारे विनय जोशी से संपर्क करेंगे। हम जयपुर, प्रतिनिधित्व जयपुर का आपके हाथ में सौंप रहे हैं, वैदिक यात्रा का पूरा प्रतिनिधित्व। और अब आइए बड़े प्रेम से, जो अभी तक रह गया, मनमोहना हे नंद नंदना
श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। ओहो Krishna।